गाड़ी करता नहीं है, ये मेरा परिवार है और बिहार भर के जितने भी लोग हमारे हैं वो सब हमारे अपने हैं। सबके विचारों को, सबकी आवाज को मैं सुनूंगी और उसके बाद मैं सभी को फिर से बुलाकर और सबके विचार से मेल खाता हुआ जो सबका विचार होगा वही मेरा विचार। क्या ही ना साहब, आपको भी छोड़ेंगे। मैम क्या ही ना साहब, राजा छोड़ेंगे। देखिए ऐसा अभी हम लोग कुछ भी डिसीजन नहीं ले रहे हैं, हम लोग सारे लोग पूरे बिहार के लोगों से हम लोग अपना मशवरा करेंगे। बिहार में जहां एक तरफ दो राज्यसभा प्रत्याशियों का नामांकन हुआ है, दोनों राजद पार्टी से हैं। पहली प्रत्याशी लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती हैं, जो मौजूदा राज्यसभा सांसद हैं भी, और दूसरे जो शख्स हैं वो बिस्फी विधानसभा से पूर्व में विधायक रहे, 2010 और 2015 में वहां से चुनाव जीते हैं राजद के सिंबल पर, फैयाज अहमद। इन दोनों ने अपना नामांकन दर्ज करा दिया। बिहार विधानसभा में हमने काफ़ी बड़ी मात्रा में भीड़ देखी, जहाँ पर लालू प्रसाद यादव खुद पहुँचे हुए थे, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, हसनपुर से विधायक तेज प्रताप यादव और भी तमाम जो विधायक है वो सभी लोग इस नामांकन प्रक्रिया में शामिल रहे। और दूसरी तरफ हमने ये खबर भी आपको बताई कि हिना साहब जो हैं वो राजद से खफा चल रही हैं, क्योंकि उनको ये उम्मीद था, उनके समर्थकों को उम्मीद था, सिवान से लेकर पटना तक जो उनके तमाम समर्थक थे, मोहम्मद साहबुद्दीन के पूर्व सांसद रहे हैं सिवान से, राजद के एक मजबूत स्तंभ रहे हैं 90 के दशक में पार्टी के स्थापना काल से, उनकी पत्नी है हिना साहब, और उन्हें यह उम्मीद था कि लालू प्रसाद यादव के पटना आने के बाद उनका टिकट फाइनल कर दिया जाएगा, लेकिन अचानक से फैयाज अहमद का नाम सामने आ जाता है और इसके बाद लगातार जो विरोध है वो कल से ही देखने को मिल रहा है। अब देखिए जो ताजा तस्वीरें हैं वो आपको हम सिवान से दिखा रहे हैं, प्रतापगढ़ से, जो किला है साहबुद्दीन का, जो उनका आवास है, उसके बाहर जो तमाम समर्थक हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो साहबुद्दीन के काल से उनके साथ जुड़े हुए हैं, वे तमाम लोग किस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, राजद मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, लालू प्रसाद यादव हों या फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हों, इन तमाम लोगों के खिलाफ नारेबाजी जो है वो साफ देखने को अब मिल रही है। हिना साहब ने प्रेस वार्ता करते हुए इस बात की जानकारी भी दी कि अगले कुछ दिनों में वो बिहार के कई क्षेत्रों का दौरा करेंगी और वहाँ के लोगों से मुलाकात करेंगी, राजशुमारी करेंगे जिसे प्लेबिसाइट कहते हैं, ताकि एक मत बन सके कि क्या अब राजद में रहना सही होगा। आपको बता दें कि मोहम्मद साहबुद्दीन जो है वो पूर्व में सिवान के सांसद रहे हैं और कोरोना काल में उनका निधन हो गया, जिसके बाद से उनकी जो पत्नी है वो काफ़ी एक्टिव रही है पॉलिटिक्स में। हिना साहब 2009 की बात कीजिए या 2014 की, दोनों बार उन्होंने सिवान लोकसभा से चुनाव लड़ा, हालांकि वो चुनाव जीती नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो मुसलमान समाज है बिहार का उसमें बहुत मजबूत पकड़ रखती हैं हिना साहब। कार कारण है कि दिवंगत साहबुद्दीन जो हैं वो काफ़ी बड़े हिमायती माने जाते रहे हैं मुसलमानों के, और राजद में जो MOI समीकरण है उसमें M के सबसे बड़े नेता, अगर सारण प्रमंडल की बात कर लीजिए तो मोहम्मद साहबुद्दीन ही रहे हैं, सीमांचल की बात कीजिए तो मोहम्मद तस्लीमुद्दीन रहे हैं, लेकिन पूरे सारण के करीब 24 विधानसभा सीटों पर और कई लोकसभा सीटों पर अच्छी पकड़ मानी जाती है मोहम्मद साहबुद्दीन की, और अब जो है वो राजद के खिलाफ ही, जो मोहम्मद साहबुद्दीन के तमाम समर्थक हैं वो लोग सड़क पर उतर गए हैं और पार्टी से अब इस्तीफा देने का बात कर रही हैं हिना साहब। ऐसे में लालू प्रसाद यादव पटना में हैं, राजद सुप्रीमो हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो क्या फैसला लेते हैं ये एक बड़ा सवाल होगा। देखिए लगातार ये आरोप लगते रहा है राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर कि पैसे के बल पर या फिर परिवार के किसी सदस्य को ही राज्यसभा का टिकट दिया जाता है, चाहे कटिहार के करीम साहब हो या फिर फैयाज अहमद, इनका भी मेडिकल कॉलेज है, इनका बीएड कॉलेज है, तो मोटे पैसे वाले हैं और जो धनवान लोग होते हैं, चाहे आप अमरेंद्र धारी सिंह की बात कीजिए जिन्हें पिछली बार राज्यसभा भेजा गया, AD सिंह, वो भी बड़े बिजनेसमैन रहे हैं। तो राजद का ये परंपरा रहा है कि एक साधारण कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया जाता है, ऐसे में MOI समीकरण को साधना था तो यादव की तरफ से मीसा भारती, लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी, और मुस्लिम समाज की तरफ से रुस्तम खान का नाम चला, बाबा सिद्दीकी का नाम चला, लेकिन अंतोगत्वा फैयाज अहमद का टिकट फाइनल कर दिया गया। अब नामांकन हो चुका है और नामांकन होने का मतलब है कि वो राज्यसभा जा रहे हैं। भारी विरोध हो रहा है सिवान से लेकर पटना तक,
कल हमने आपको वो खबर बताया था जब पोस्टर के माध्यम से लालू प्रसाद यादव से मोहम्मद साहबुद्दीन के जो तमाम समर्थक है वो ये अपील कर रहे थे कि हिना साहब को राज्यसभा भेजा जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी के जो तमाम साहबुद्दीन के समर्थक है वो विरोध कर रहे हैं और सिवान में कई सड़कें जाम हो चुकी हैं। आप बने रहिए NBC 24 के साथ। मेरा नाम उदित तारण है। बहुत बहुत शुक्रिया।